अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। तो आज हमारा दरबान जाने का प्लान था, तो चलिए आपको भी साथ ले चलते हैं। कहते हैं कि मालिक ने चंद मंजर सिर्फ आवारा गर्दों के लिए तख्लीक किए हैं, कुछ दुनियाएं सिर्फ खाना बदोशों के लिए बनाई हैं, और कुछ हवाएं सिर्फ इन जिस्मों को छूने के लिए बनाई हैं जिनके दिमाग में आवारगी का फितूर होता है। तो चलें आज हम भी देखते हैं कि हमने कौन से मंजर देखने हैं और कैसे मंजर देखने हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सड़कें हमें कहाँ पर लेके जाती हैं। तरबेला झील ने यहाँ से हमें अपना दीदार करवाना शुरू कर दिया है, लेकिन बदकिस्मती से झील में पानी की सतह बहुत कम है। मानसरा शहर से तकरीबन दरबान तक 2 घंटे लग सकते हैं आपके, और रोड बेहतरीन कंडीशन में है। अब हम अपनी मंजिल से सिर्फ चंद कदम दूर हैं, क्योंकि झील का पानी खुशक होने की वजह से हमें थोड़ा पैदल सफ़र करना पड़ेगा। दरबान में गर्मी बहुत ज़्यादा है दिन के वक्त, तो बेहतर है कि आप शाम के वक्त आएँ अगर आपने इंजॉय करना है तो। दरबान में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन उस गर्मी की शिद्दत के बावजूद काफ़ी लोग वहाँ पर आए हुए थे। गंदम की कटाई का सीज़न था और मकामी लोग गंदम की कटाई में मसरूफ थे। झील में पानी की सतह कम होने की वजह से ज़मीन खुश्क हो गई है और ज़मीन में दरारें पड़ गई हैं, लेकिन जो कुछ खुदा को मंजूर होता है वो अच्छा ही होता है। इसकी वजह से भी आप देख सकते हैं कि ये एक मुनफरिद नज़ारा पेश कर रही है, ऐसा नज़ारा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दिन के 2 बज चुके हैं और अभी हमने अपने खाने पीने का सामान निकाला है और खाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पीने का साफ पानी या किसी भी तरह का कोई भी साफ पानी किसी भी इस्तेमाल के लिए नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप अपने साथ पानी वाफर मकदार में ले के जाएँ। आग जलाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कोयले थे और बस। तो इसके लिए हमने करीब से झाड़ियाँ वगैरह और खुश्क लकड़ी जमा की और उनकी मदद से हमने आग लगा ली। हमारे पास खाने में सिर्फ 2 मेन्यू थे, एक बिरयानी और दूसरा बारबेक्यू। बारबेक्यू हमने ख़ुद बनाना था और बिरयानी उधरी दरबान में हमारे एक दोस्त ने हमारे लिए तैयार करवाई थी।
बारबेक्यू बनते बनते मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना इस मौसम में झील के किनारे बैठ के खाया जाए। तो इस वजह से हमने अपना दस्तरखान उठा के झील के किनारे पे ले आए। कुछ लम्हे लाफानी होते हैं, फिरदौसी लम्हे, वो लम्हे जिनमें इंसान क़ैद हो जाता है, वो लम्हे जो तन्हाई में भी मुसरत का सामान मुहैया करते हैं, वो लम्हे जो परों के बग़ैर उड़ान पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए आपको भी ऐसे लम्हे दिखाते हैं। गहरे बादलों और नामुनासिब रोशनी की वजह से कैमरा वो मनाजर कैद करने में यकसर नाकाम रहा जो आँख महफूज कर रही थी। हम अपने वापसी के सफ़र पर रवाना थे कि हमें एक मुकामी शख्स से मालूम हुआ कि यहाँ करीब ही एक छोटा सा वाटरफॉल है, तो हमने सोचा चलें क्यों ना उसको भी देखा जाए और आपको भी दिखाया जाए। ऊंचे पहाड़ों के दामन में बहता हुआ साफ और शफाफ पानी एक मुनफरिद नज़ारा पेश कर रहा था। अब असल इम्तिहान उस वाटरफॉल तक पहुंचना था जो कि काफ़ी गहराई में था और उस तक पहुंचने के लिए कोई मुनासिब रास्ता भी नहीं था। वाटरफॉल तक पहुंचने वाला रास्ता काफ़ी थका देने वाला था, लेकिन जब आप नीचे पहुंचेंगे, आप वाटरफॉल को देखेंगे तो आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। पानी काफ़ी साफ और गहरा था और साथ पत्थर भी और पहाड़ भी एक मुनफरिद नज़ारा पेश कर रहे थे। ये था आज का व्लॉग, तो चलें मिलेंगे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह एक नई जगह के साथ एक नई वीडियो में। सफ़र करें, खुश रहें और हमें भी सपोर्ट करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और ये भी बताएँ कि आपके लिए अगला व्लॉग कौन सी जगह का होना चाहिए। शुक्रिया। और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अच्छी अच्छी जगह लेके आएं जो कि अनडिस्कवर्ड हैं अभी तक। अल्लाह हाफिज़।